Dear student, good afternoon you all. Today we will learn the vowel consonants of Odia literature. Okay. Before to that, I have taught you about the vowels of Odia literature. O, I, E, etc. So today I will teach you how to write the consonants of Odia literature. Okay. Odia literature का consonant बता रहे हैं. तो पहले ये क देखिए, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, दैट इज योर क. ओके, इसी तरह ये ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा करना है हल्का, ये ख, खटिया ख से ख. इसके बाद अगेन ये ग, ये हो गया आपको घ, घर, घ से घर, घ से गच, गच वो बरगच जो बोलते हैं, ग से गच, घ से घर. और इसके बाद उमा, ओके. इसके बाद च, छ, ये एट टाइप का इस तरह दो रहेगा छ. इसके बाद ये हो गया ज, जटायु, जट, जट बोलते हैं, जटायु बोलते हैं, तो चिड़िया ज. इसके बाद आएगा झ, झरना, ज, झ, झरना, ये आता है झ. और ये आता है न्य, एक के ऊपर एक ऐसा रहता है तो इसको बोलाते हैं न्य. प, ठीक है, फिर ओवर राइटिंग कर रहे हैं, क, ये हो गया ख, खरगोश, हिंदी में ख बोलते हो, खरगोश ख, क से कवि, कबूतर, कटहल, ये हो गया क, ये हो गया ख, ग से गगन, ग, ग से गच, ग उड़िया में गच बोला जाता है, तो तुम लोग आप गच, गाच बोलते हो, तो आकार दे देंगे तो गाछ हो जाएगा ग. ये हो गया घर, घमंड, ये हो गया घ. और वो में ऐसे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहे, वो क्या है, वो इसको बोलता है वो, इसका व्यवहार नहीं है, इसका व्यवहार नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट आया आपको च, चौका, चौक, चौका चौक बोलता है, चौक जो बोलते हैं, चौक हो गया, चौक हो गया, ये सब. छ से छपड़ा, छप्पर जो बोलते हैं उड़िया में, छप्पर घर बोलते हैं आप लोग, छपड़ा घर बोलते हो. ज से जट, जटायु, जंगल, ये सब हो गया जमीन, ज. झ से झरना हो गया. इसके बाद ञ, झ, ञ, 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 आज इतने ञ. इसके बाद फिर आगे होगा ट, ठ, ड, ढ, ऐसे करके. ओके, सो आप लोग ये 10 जो है, ये हो गया आपको कंसोनेंट जो है व्यंजन वर्ण 10, इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे. ओके, आपने सब प्रैक्टिस करीबे. ओके, धन्यवाद.